अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं दो तरीके का शरबत, जो कि खासकर मुहर्रम में बनाया जाता है। ये मैंने ली हूँ 1 लीटर दूध, जिसे मैं गर्म कर लूँगी। इसमें अभी बॉईल आने ही वाला है, मैंने इसे गर्म कर ली हूँ। अब इसमें मैं 1 कप के आसपास शक्कर डालूँगी, थोड़ी थोड़ी डाल के इसे मिलाना है। इसमें शक्कर डाल के बॉईल आ जाए तो हमें इसे ठंडा कर लेना है। अब ये कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने ली हूँ। मैंने पिस्ता, बादाम और रोज़ की कुछ पत्तियाँ हैं, ये रोज़ सिरप है, ये ग्रीन सिरप है, ये मैंने सब्ज़ा ली हूँ जिसे मैंने भिगा दी थी, ये 1 लीटर दूध है तो मैंने एक जग में निकाल ली हूँ। ये रोज़ सिरप का मैंने ये वाला यूज़ करी हूँ बॉटल, और ये ग्रीन वाले का है। अब मैं मिल्क को हाफ कर दूंगी और ये इसमें मैंने रोज़ सिरप डाली हूँ, और इसे मिक्स कर लूँगी और इसे मैं सब्ज़ा ऐड कर लूँगी। सब्ज़ा मैंने इसमें 5 से 6 टेबल स्पून डाली थी। सब्ज़ा डाल के इसमें मिक्स कर लूँगी, फिर एक ग्लास में इसे निकाल के ऊपर से डेकोरेट कर दूँगी। बहुत ही टेस्टी बनता है ये, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिए। इसमें मैं ऊपर से बादाम डालूँगी, कुछ फ्लावर्स की पत्तियाँ डालूँगी, और ये डेकोरेट करने के लिए मैं रोज़ सिरप डालूँगी। अब हम बनाते हैं दूसरा, जिसमें मैंने दूध ली हूँ और सब्ज़ा डाली हूँ और ये ग्रीन सिरप डाली हूँ। इसे मिक्स करके दूसरे ग्लास में उसे डालूँगी, इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब ये मैं इसको डेकोरेट करने के लिए ग्लास के आजू बाजू ये ग्रीन सिरप लगाऊँगी, जिसे खुशके का सिरप भी बोलते हैं। इसमें दूध डाल के ऊपर से मैं डेकोरेट कर दूँगी। ये हमने दो तरीके के शरबत बना लिए हैं। ये कितने बेहतरीन लग रहे हैं, आप लोग भी ट्राई करिए। जज़ाकअल्लाह खैर।